अभी हम टेप को जो हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 इंच ले लिया है, यहाँ पर भी इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे 3 इंच पर। इसके बाद यहाँ से हम 3.5 इंच लेते हैं, यहाँ पर टक्स पॉइंट का ऊपर का पॉइंट आएगा। अभी जो हमने यहाँ पर 3 इंच ले लिया, यहाँ से मैं 2 इंच के इसमें प्लेट डालूंगी, 2 इंच और ले लेंगे, 2 इंच के बीचों बीच 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। जो प्लेट रहेगी ये 3 इंच लंबी रहेगी, तो 3 इंच लंबी डॉट कर लेंगे। इसको हटा देते हैं, यहाँ से अभी प्लेट की मार्किंग करते हैं। इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। देखिए ये डॉट हमारी पढ़कर तैयार हो गई है, 2 इंच की डॉट डाली है हमने। अगर आप कप साइज ज़्यादा बनाना चाहते हैं 2.5 इंच की डाल सकते हैं। अभी यहाँ से मैं क्रॉस में इस तरीके से 3 इंच की ये सेंटर वाली प्लेट डालूंगी, ये कम चौड़ी रहेगी, ज़्यादा नहीं, एक आएगी हमारी मुड्डे की तरफ से इस तरीके से। ये भी छोटी प्लेट है, ये भी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी। तो ये देखिए 3 डॉट हमारी इस तरीके से यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। अभी जो ये बेल्ट है इसमें भी हम कम करेंगे, तो 3 इंच देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग कर। अब यहाँ पर हम 1.5 इंच ही लेते हैं, क्योंकि प्लेट तो हमने 2 इंच ले लिया, लेकिन इसको थोड़ा कम कर देते हैं, बाद में बचेगा तो जब फिटिंग करेंगे उस समय निकाल देंगे। अगर आपने ज़्यादा कट कर दिया फिर छोटा पड़ गया तो फिर आपको जोड़ना पड़ेगा पीस, इसलिए हमने थोड़ा सा कम पहले लिया है। तो इस पार्ट को हम कट कर देंगे, कट करके फिर सिलाई देंगे यहाँ पर इस तरीके से, या तो खाली सिलाई लगा कर भी छोड़ सकते हैं आप, से पहले सिलाई लगा दें उसके बाद कट कर दें उसको। अब यहाँ पर हल्की सी हम इसकी शेप दे देंगे, तो यहाँ पर 1/2 इंच में नीचे की तरफ इस तरीके से इसकी गुलाई कर दूंगी, तो जो शेप है इसकी अच्छे से आ जाएगी बेल्ट। देखिए इस तरीके से इसकी बेल्ट की जो है शेप आ जाएगी।